सोहरतगढ़ और बांसी विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार के नाम को लेकर के पेंच फंसा हुआ है। सोहरतगढ़ विधानसभा सीट से बड़ी खबर ये है कि ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी सोहरतगढ़ विधानसभा सीट से अपना। नमस्कार, आदाब, मैं मोहम्मद आरिफ खान, आप देख रहे हैं पूर्वांचल खबर। सिद्धार्थनगर जिले में छठे चरण में 3 मार्च को मतदान होने हैं। जैसे जैसे चुनाव की तारीख करीब आ रहे हैं, सियासी पार्टियां अब चुनावी मैदान में अपने उम्मीदवारों को उतारना शुरू कर चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सिद्धार्थनगर जिले के 5 विधानसभा सीटों में से 4 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने भी जिले के 5 विधानसभा सीटों में से 3 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। इटवा विधानसभा सीट से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे के नाम का ऐलान किया गया है, तो वहीं डुमरियागंज विधानसभा सीट से सैयदा खातून को प्रत्याशी बनाया गया है। कपिलवस्तु विधानसभा सीट से पूर्व विधायक विजय पासवान को एक बार फिर मैदान में उतारा गया है। जिले के 2 विधानसभा सीटों पर अभी तक समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया है। सोहरतगढ़ और बांसी विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार के नाम को लेकर के पेंच फंसा हुआ है। सोहरतगढ़ विधानसभा सीट से बड़ी खबर ये है कि ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी सोहरतगढ़ विधानसभा सीट से अपना प्रत्याशी उतार सकती है। ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी बस्ती मंडल में एक सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है, जो कि सोहरतगढ़ विधानसभा की सीट है। इससे पहले भी पूर्वांचल खबर से बातचीत करते हुए जिलाध्यक्ष रामनिवास राजभर ने इस बात को कहा था कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी सोहरतगढ़ विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरेगी। ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी इस वक्त समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में है। ऐसे में यदि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी सोहरतगढ़ विधानसभा सीट से अपने उम्मीदवार को उतारती है तो समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट इस सीट पर चुनाव नहीं लड़ेगा। चुनाव के तारीखों के ऐलान के पहले सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरविंद राजभर सोहरतगढ़ में जनसभा कर चुके हैं। 16 जनवरी को ओम प्रकाश राजभर भी सोहरतगढ़ विधानसभा सीट में जनसभा करने वाले थे, लेकिन इसी बीच चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया, जिसके बाद ओम प्रकाश राजभर को अपना जनसभा कैंसिल करना पड़ा। लेकिन सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के कई पदाधिकारी लगातार सोहरतगढ़ विधानसभा सीट पर चुनावी कैंपेन में जुटे हुए हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रेमचंद कश्यप करीब 1.5 महीने से सोहरतगढ़ विधानसभा सीट में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। सोहरतगढ़ विधानसभा सीट पर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का लगातार जनसंपर्क इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव से सोहरतगढ़ विधानसभा की सीट सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के लिए मांग रहे हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के कई नेता ओम प्रकाश राजभर से इसी सीट पर चुनाव लड़ने की दावेदारी भी पेश करने ओम प्रकाश राजभर के पास पहुंचे थे। सोहरतगढ़ विधानसभा सीट पर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के पदाधिकारियों और नेताओं के द्वारा लगातार चुनाव प्रचार और उनके बीच से ये बात निकल कर सामने आना कि सोहरतगढ़ विधानसभा सीट में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को अब एक अच्छे कैंडिडेट की तलाश है, वो इस बात की ओर साफ इशारा कर रहा है कि अखिलेश यादव से ओम प्रकाश राजभर ने सोहरतगढ़ विधानसभा की सीट की मांग की है। फिलहाल आने वाले 2-4 दिनों में इस बात पर मुहर लग जाएगी कि सोहरतगढ़ विधानसभा सीट से सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का उम्मीदवार होगा या अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार होगा। वहीं जिले के सोहरतगढ़ विधानसभा सीट को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ने 4 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। सोहरतगढ़ विधानसभा सीट पर भाजपा और उनके सहयोगी दल ने अभी तक अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया है। सोहरतगढ़ विधानसभा सीट से 2017 के विधानसभा चुनाव में अपना दल, जो कि भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी थे, उसे ये सीट मिली थी और इस सीट से मौजूदा विधायक चौधरी अमर सिंह चुनाव लड़े थे। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी जमील सिद्दीकी को हराकर एक बड़ी जीत दर्ज की थी, लेकिन चौधरी अमर सिंह, मोहम्मद जमील सिद्दीकी और उग्रसेन सिंह अब समाजवादी पार्टी में हैं और वो एक ही पार्टी से चुनाव की दावेदारी पेश कर रहे हैं। फिलहाल अभी गठबंधन में ये सीट जाएगी या नहीं, इस बात पर फैसला होना भी बाकी है। नमस्कार, उत्तर प्रदेश के तमाम चुनावी अपडेट के लिए आप पूर्वांचल खबर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।